This is Pratima Vahura. Today we are going to talk on islets of Langerhans. This is paper first, BSc part, third paper first. Islets of Langerhans are also called islands of Langerhans. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं. रेगुलरली शेप्ड पैचेस ऑफ एंडोक्राइन टिश्यू लोकेटेड विद इन द पैनक्रियाज ऑफ मोस्ट वर्टिब्रेट्स. इररेगुलर शेप्स के यह पैचेस होते हैं एंडोक्राइन टिश्यूज़ के, जो कि पैनक्रियाज के, ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स के पैनक्रियाज के बीच में पाए जाते हैं. दे आर नेम्ड फॉर द जर्मन फिजिशियन पॉल लैंगरहैंस. यह एक जर्मन फिजिशियन है पॉल लैंगरहैंस, उनके नाम पर ही इनका नाम पड़ा था. हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड देम इन 1869. उन्होंने सबसे पहले यह 1869 में इनको डिस्क्राइब किया. द नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियास कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन आइलैंड्स. एक सामान्य ह्यूमन बीइंग में पेनक्रियास के 1 मिलियन आइलेट्स होते हैं. द आइलेट्स कंसिस्ट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट सेल टाइप्स. आइलेट्स के अंदर 4 विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, ऑफ विच 3 अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल्स प्रोड्यूस इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स. इन 4 प्रकार की कोशिकाओं में 3 जो है अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल्स प्रोड्यूस इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स. यह एक महत्वपूर्ण हार्मोन का निर्माण करते हैं. द फोर्थ कंपोनेंट सी सेल्स हैज़ नो नोन फंक्शन. सी सेल्स का अभी तक क्या कार्य है नहीं पता चल सका है. तो यह डायग्राम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का. द मोस्ट कॉमन आइलेट सेल द बीटा सेल प्रोड्यूस इंसुलिन्स, द मेजर हार्मोन इन रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन, सबसे अत्यधिक आइलेट सेल्स के अंदर सबसे कॉमन जो हैं वे बीटा सेल्स हैं, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं. मेजर हार्मोन जो है, यह एक बहुत मेजर हार्मोन है इन द रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के मेटाबॉलिज्म में सबसे बड़ा रोल इन बीटा सेल्स का होता है, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं. इंसुलिन इज क्रूशियल इन सेवरल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. इंसुलिन जो है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में सबसे ज़्यादा क्रूशियल है. इट प्रमोट्स द अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज बाय द बॉडी सेल्स. इस इंसुलिन का काम है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज बाय द बॉडी सेल्स. यानी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करना इन कोशिकाओं का काम है. इट प्रिवेंट्स रिलीज ऑफ ग्लूकोज बाय द लिवर. इस इंसुलिन की वजह से यह लिवर के द्वारा ग्लूकोज को रिलीज होने नहीं देता. इट कॉजेस मसल सेल्स टू टेक अप अमीनो एसिड्स द बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड इट इनहिबिट्स द ब्रेकडाउन एंड रिलीज ऑफ फैट्स. यह इस हार्मोन के प्रभाव से यह मसल सेल्स को अमीनो एसिड अपटेक में मदद करता है, कि मसल्स जो हैं वह अमीनो एसिड को ग्रहण करती रहे, जो कि प्रोटीन का बेसिक कंपोनेंट है, एंड इनहिबिट द ब्रेकडाउन एंड रिलीज ऑफ फैट. और फैट और फैट का ब्रेकडाउन और उसका रिलीज को नहीं, इसको इनहिबिट करता है या रोकता है. यानी फैट के रिलीज को और ब्रेकडाउन को रोकना इसका काम है. द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स कैन बी ट्रिगर्ड बाय ग्रोथ हार्मोन. बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का रिलीज जो है वह
बढ़ावा देता है इंसुलिन बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन के रिलीज को। यह ग्रोथ हार्मोन के सानिध्य में होता है, यानी ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन के रिलीज को बढ़ावा देता है और बाय ग्लूकेगॉन या और ग्लूकेगॉन के द्वारा भी ऐसा होता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टिमुलेटर ऑफ इंसुलिन रिलीज इज ग्लूकोज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टिमुलेटर ऑफ इंसुलिन रिलीज इज ग्लूकोज। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वह स्टिमुलेटर जो है इंसुलिन का वह है ग्लूकोज। व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है एज इट डज आफ्टर मील, जो कि हम खाना खाते ही हमारा ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है, इंसुलिन इज रिलीज टू काउंटर इट। तो इंसुलिन जो है तुरंत रिलीज होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम किया जाए। द इनएबिलिटी ऑफ द आइलेट सेल्स टू मेक इंसुलिन और द फेलियर टू प्रोड्यूस अमाउंट सफिशेंट टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल on the cause of the diabetes mellitus. The islet cells का जो है अक्षमता कि insulin produce करने में या failure जो है वह insulin failure cells का कि cells fail हो जाती हैं insulin produce करने में या उतने amount का insulin produce नहीं कर पाती है जो कि blood glucose level को control कर सके, और उसका नतीजा होता है डायबिटीज मेलिटस। यानी डायबिटीज मेलिटस तब होता है जब ब्लड के अंदर इंसुलिन की कमी हो, और उस इंसुलिन की जब कमी होगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल स्वतः ही बढ़ जाएगा, उस कमी की बजाय वह बढ़ने लगता है। इसके अंदर यह एक डायग्राम बताया गया है जो कि कैपिलरी नेटवर्क है। अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन प्रोड्यूस करती है, बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं, एंड बीटा सेल्स जो है सोमेटोसाटिन प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से यह जो है कोशिकाएं ग्लूकेगॉन और इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि आइलेट्स और लैंगरहैंस कंटेन अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल्स दैट प्रोड्यूस ग्लूकेगॉन इंसुलिन एंड सोमेटोस्टैटिन रेस्पेक्टिवली। अ फोर्थ टाइप ऑफ आइलेट सेल्स द एफ सेल्स और पीपी सेल्स इज लोकेटेड एट द पेरिफेरी ऑफ द आइलेट्स एंड सिक्रीट पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। दीज हार्मोन्स रेगुलेट वन अनदर सिक्रीशन थ्रू पैराक्राइन सेल सेल इंटरैक्शंस। द अल्फा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस एन ऑपोजिंग हार्मोन ग्लूकेगॉन। द अल्फा सेल्स जो है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की वह एक ऑपोजिंग हार्मोन ग्लूकेगॉन प्रोड्यूस करती है, यानी इंसुलिन का बिल्कुल विपरीत हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो कि ग्लूकेगॉन कहलाता है, विच रिलीजेस ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर, जो कि लिवर से ग्लूकोज रिलीज करता है, एंड फैटी एसिड्स फ्रॉम फैट सेल्स फैट टिश्यूज, और फैटी एसिड्स रिलीज करता है फैट टिश्यूज से। इन टर्न ग्लूकोज एंड फ्री फैटी एसिड्स फेवर इंसुलिन रिलीज, और जो है जब ग्लूकोज और फ्री फैटी एसिड्स की प्रेजेंस होगी तो यह बढ़ावा देता है इंसुलिन रिलीज को एंड इनहिबिट ग्लूकेगॉन रिलीज को, और इस तरह से यह ग्लूकेगॉन के रिलीज को इनहिबिट करता है, रोकता है। द डेल्टा सेल्स प्रोड्यूस सोमेटोस्टैटिन। डेल्टा सेल्स जो सोमेटोस्टैटिन प्रोड्यूस करती है स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर ऑफ सोमेटोट्रोपिन।
यह सोमेटोट्रोपिन को स्ट्रॉन्ग सोमेटोट्रोपिन को रिलीज होने को रोकता है. इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, इट्स रोल इन मेटाबॉलिक रेगुलेशन इज नॉट येट क्लियर. सोमेटोट्रोपिन का रोल मेटाबॉलिज्म में क्या है यह है अभी तक ज़्यादा जानकारी नहीं है. सोमेटोस्टैटिन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई दी हाइपोथैलेमस. सोमेटोस्टैटिन जो है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा भी सिक्रीट किया जाता है एंड फंक्शंस देयर टू इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन और हार्मोन बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. यह हाइपोथैलेमस से भी रिलीज होता है सोमेटोस्टैटिन और ऐसा देखा गया है कि ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को कम करता है इनहिबिट करता है बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. एंड हियर इज इंसुलिन अ प्रोटीन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आइलेट सेल्स इन द पैनक्रियास. यह डायग्राम जो है यह शो करता है बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन सिक्रीट करने को. तो यह आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पे यह है आज हमारा जो है लेक्चर था. इसके साथ ही धन्यवाद.